देखिए फीटर सेकेंड ईयर के लिए है, आज का प्रैक्टिस सेट वहीं से आगे जहां से करवाया गया था। पहला है आंतरिक चूड़ियों वाले पाइपलाइन को बंद करने के लिए किस मानक पाइप फिटिंग का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन ए प्लग का उपयोग किया जाता है। ठीक, अगला देखिए, अगला है किस प्रकार के रिंच का उपयोग 50 mm से अधिक व्यास के मीटर पाइप के लिए मजबूत पकड़ के साथ कसने के लिए किया जाता है। 50 mm से अधिक व्यास के मीटर पाइप के लिए मजबूत पकड़ के लिए किया जाता है, तो बताइए ये मीटर नहीं होगा, बस सिर्फ व्यास के पाइप के लिए मजबूत पकड़ कसने के लिए किसका किया जाता है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चेन पाइप रिंच, ऑप्शन नंबर सी चेन पाइप रिंच। अगला देखिए, अगला दिया हुआ है पाइप के जोड़ में भाग एक्स का क्या नाम है, जो भाग एक्स है इस तरह से बना हुआ जो भाग है इसका क्या नाम है ये पूछा गया। ऑप्शन नंबर ए है बाहरी पाइप, ऑप्शन नंबर बी है हेम्प पैकिंग, ऑप्शन नंबर सी है टेपरेड मेल थ्रेड, ऑप्शन नंबर डी है पैरेलल फीमेल थ्रेड। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हेम्प पैकिंग, हेम्प पैकिंग में इस प्रकार से किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला दिया हुआ है, ये फिगर दिया हुआ है, इसमें आपसे ये पूछा गया जो एक्स से ये भाग जो डिनोटेड किया गया है ये क्या है, तो ये भाग जो होता है इसे स्पिंडल के नाम से जानते हैं, इसे स्पिंडल के नाम से जानते हैं। अब ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन देखिए, पहला दिया हुआ है बोनट, दूसरा है पैकिंग, तीसरा है ग्लैंड नट, चौथा है शाफ्ट या स्पिंडल, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, शाफ्ट या स्पिंडल। उसके बाद अगला देखिएगा, अगला है यदि स्पिंडर लगातार घूम रहा हो, यदि स्पिंडर लगातार घूम रहा हो जिसके गेट वाल्व बंद नहीं हो रहे हो, तो इसे ठीक करने के क्या उपाय हैं, मतलब यदि हम नल को पूरा कस रहे हैं और हमेशा कसाता चला जा रहा है, एक बार भी रुक नहीं रहा उसमें और घूमता हुआ चला जा रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, उसके क्या उपाय हैं उसको सही करने के लिए, वाल्व बदला जाए या ग्लैंड नेट को कस दिया जाए या घिस चुके पार्ट को बदला जाए या फिर ग्लैंड पैकिंग को नवीनीकृत किया जाए, मतलब नया किया जाए, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, घिसे हुए पार्ट को बदले, क्योंकि जब पार्ट घिस जाता है तो स्पिंडल से जब कसते हैं तो वो कस नहीं होता है, जिससे पानी जो है लगातार आता रहता है। तो अगला देखिएगा, 220 नंबर क्वेश्चन, किस प्रकार का पाइप ज्वाइंट 90 अंश पर ब्रांच बनाता है, किस प्रकार का पाइप ज्वाइंट 90 अंश पर ब्रांच बनाता है, बताइए कपलिंग बनाता है नहीं बनाता, टी बनाता है, जो टी होता है वह इस तरह से बनाता है, देखिए इस तरह से इसके ज्वाइंट होते हैं, इस तरह से इसके ज्वाइंट होते हैं टी के, तो ये 90 डिग्री पर बना रहा, इसे यही पूछा जा रहा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, टी ब्रांच। अगला देखिएगा, अगला है प्लम्बर टूल का क्या नाम है, पहला दिया हुआ स्ट्रेप रिंच, दूसरा है चेन पाइप रिंच, तीसरा है स्टील सन पाइप रिंच, चौथा है फुट पॉइंट पाइप रिंच, तो बताइए इसमें से कौन सा सही होगा। तो जो प्लम्बर टूल होता है वह होता है चेन पाइप रिंच, इसमें क्या होता है एक चेन टाइप का लगा होता है चेन, और उसमें ऐसे रिंच लगा करके पाइप में ऐसे लपेट करके हम कसते हैं, उसे चेन पाइप रिंच कहते हैं। अगला देखिए, अगला है पाइप लाइन प्रतीक, ये किस पाइप लाइन का प्रतीक है, इसमें साफ साफ दिख रहा है पहले व्यास अधिक था, बाद में इसका मतलब व्यास कम किया गया है ऐसा बताना है, कम हो गया बाद में व्यास, तो यह किसका प्रतीक है, साकेट का, प्लग या टोटी का, यूनियन स्क्रू का या रिड्यूसर कंसेंट्रिक का, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रिड्यूसर
कंसेंट्रिक, ठीक, ऑप्शन नंबर डी रिड्यूसर कंसेंट्रिक। इसमें क्या होता है, इसमें होता यह है कि यदि अधिक व्यास का है उसे कुछ व्यास कम का पाइप करना हो, ऐसी जगहों पर हम रिड्यूसर का इस्तेमाल करते हैं, ऐसी जगहों पर हम रिड्यूसर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगला देखिए, अगला है 223 नंबर, दृष्टि और सतह के, ये प्लेन होगा, दृष्टि और सतह के बीच 30 अंश के कोण पर दृश्य पाइप निरीक्षण किस प्रकार का होता है। पहला दिया हुआ है प्रत्यक्ष दृश्य परीक्षण, दूसरा दूरस्थ दृश्य परीक्षण, तीसरा पारभाषी, चौथा पारदर्शी। तो ऑप्शन नंबर ए प्रत्यक्ष, जब हम सतह और दृष्टि के बीच 30 अंश के कोण पर उसे प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं तो उस जो परीक्षण होता है उसे हम प्रत्यक्ष दृश्य परीक्षण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला देखिएगा, अगला देखिए, पाइप में कंसेंट्रिक रिड्यूसर कहां उपयोग होता है, हॉरिजॉन्टल होता है कि वर्टिकल होता है, कहां पर होता है, दबाव कम करने के लिए, प्रवाह दिशा को चलाए रखने के लिए। तो दबाव तो बढ़ाने के लिए इसका उपयोग करते हैं, दबाव कम तो एकदम गलत है, ये होगा हॉरिजॉन्टल। इसमें ऑप्शन नंबर बी, हॉरिजॉन्टल में ही सिर्फ हम उपयोग करते हैं, वर्टिकल में हम करते नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला ये दिया हुआ है, पानी के नल में एक्स के रूप में चिन्हित भाग को क्या कहते हैं, अर्थात इसको क्या कहते हैं ये बताना है, इसको क्या कहते हैं ये बताना है। और देखिए चारों ऑप्शन भी आपके सामने है। तो इसको हैंडल कहते हैं, इसको कहते हैं हैंडल या हैंडल, और ये है स्पिंडल, इसको कहते हैं स्पिंडल, ये स्पिंडल है, इसको कहते हैं बोनट, इसको कहते हैं बोनट, और जो यहां लगा हुआ भाग है यहां वाशर भी होता है, वाशर, और जो ये भाग दिखाया गया है नीचे वाला, ये जो भाग है ये है वाल्व या वाल्व सीट, जिसे वाशर के भी नाम से जानते हैं। वाशर अलग है, वाल्व अलग है, लेकिन वाल्व सीट कहा, अर्थात जो इसके नीचे ये जो लगा हुआ है इसी को बताना है। तो ये है वाल्व सीट, ये है वाल्व सीट, इसे ही कहते हैं वाल्व सीट। अब ऑप्शन में देखिए, इस पूरे को बॉडी कहते हैं, इस पूरे को बॉडी के नाम से जानते हैं, इस पूरे को बॉडी कहते हैं। चलिए इसमें ऑप्शन देखिएगा, डी वाला सही होगा, वाल्व सीट, ऑप्शन नंबर डी, ये जो भाग है इसे, जो एक्स से डिनोटेड भाग है इसे वाल्व सीट कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे देखिए, अगला है, केवल एक दिशा में द्रव प्रवाह की अनुमति देने के लिए किस वाल्व का उपयोग करते हैं, केवल एक दिशा में, तो उस कंडीशन में हम किसका उपयोग करते हैं, प्लग काक का, निडल, नॉन रिटर्न प्रेशर रेगुलेटर। ऑप्शन नंबर सी, नॉन रिटर्न वाल्व का हम वहां पर उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला 227 नंबर क्वेश्चन है, फिनिश ट्यूबुलर सतह पर किस प्रकार के रेंच का उपयोग किया जाता है। जो फिनिश ट्यूबुलर होती है, मतलब जो पाइप होती बहुत स्मूथ हो, उस पर हम किस प्रकार का रेंच होता है उसका हम उपयोग करेंगे। पहला है स्ट्रिप रेंच, दूसरा है फुट पॉइंट रेंच, तीसरा है चेन, चौथा है स्टेनलेस पाइप रेंच। तो ऑप्शन नंबर ए सही, स्ट्रिप रेंच। ये होता कैसा है, ये थोड़ा पट्टे के आकार का होता है और उसमें एक हैंडल टाइप का होता है, ऐसे करके उससे कसते हैं। अब इसको हम दिखा रहे हैं ये होता कैसे है। ये देखिए, ये जो रिंच है ये पट्टे का है, कभी कभी ये चमड़े का बनाया जाता है, नहीं तो किसी विशेष प्रकार के मटेरियल का बनाते हैं जो स्क्रेच ना डालता हो। और यहां पर इसमें ऐसे फंसाया गया होता है, इसमें पाइप जाती है, पाइप ऐसे दबाया जाता है और ऐसे कसा जाता है। तो ये जो है ये है स्ट्रेप रिंच, ठीक। चलिए इससे आगे, अगले दिन